વડોદરામાં આગામી 30 ડિસેમ્બરથી શરૂ કરવામાં આવનાર અશ્વમેઘ યજ્ઞ માટેની શક્તિ કળશ યાત્રા સેલવાસ ખાતે શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ માટે ગાયત્રી મંદિરમાં એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ તકે ઉપસ્થિત મહાનુભાવોએ આ યજ્ઞ વિશેની માહિતી આપી હતી. શક્તિ કળશ की यात्रा प्रारंभ हो रही है सिलवासा से. इसका उद्देश्य है रजत जयंती महोत्सव का आयोजन बड़ौदा में होने के लिए जा रहा है. इसके लिए पूरे गुजरात प्रांत में ये शक्ति कलश का परिक्रमण होगा. उद्देश्य है आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण. पूरे राष्ट्र को जगाना है. पूरे राष्ट्र में भावनाशील नैष्ठिक हमारे नागरिक का जागरण कैसे हो, वह राष्ट्रभक्त कैसे बने, कर्तव्य प्रायण कैसे बने और सारे की सारी शक्ति को राष्ट्र निर्माण में नियोजित किया जाए, इस उद्देश्य के लिए इस तीर्थ यात्रा का प्रारंभ हो रहा है. ये शक्ति कलश यात्रा पूरे गुजरात में सबको संदेश देंगे, सबको निमंत्रण देंगे और इस कार्यक्रम का उद्देश्य और महत्व समझाएंगे. सब बड़े जो आए थे अहमदाबाद से, सूरत से, बड़ोड़ा से, उसको मैं बहुत आभारी हूँ कि हमारी जो गायत्री परिवार ट्रस्ट सिलवास को चुना है. तो पहला जो काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ. सर, क्या लोगों से, सिलवासा वासियों से अपील करना चाहते हैं कि वो इसका यज्ञ का जो 31 जनवरी को होगी 5 जनवरी को उसका समापन में किस तरह लाभ मैं ऐसा सोचता हूँ कि सिलवास में एक प्रमुख जो चक्कर लगाएंगे कलश तो हमारा सिलवास थोड़ा पवित्र होएगा और सबको तरह भावना मिलेगी.